भारतवर्ष में जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 20 करोड़ की आबादी समेटे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा एक गंभीर चुनौती है। इस समस्या का उपचार केंद्र प्रदेश की राजधानी लखनऊ को माना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वास्तविक मायनों में समाज के हर वर्ग हर समुदाय के मरीजों का उपचार करने के लिए किए गए सबसे बड़े प्रयासों में से एक था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान। वर्ष 2006 में जब लोहिया संस्थान की स्थापना की गई थी तब इसका एकमात्र उद्देश्य उच्चतम गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना था, पर समय के साथ साथ लोहिया संस्थान ने न जाने कितने ही मुकाम हासिल किए। इस संस्थान को महान विचारक एवं स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को समर्पित किया गया था। यह संस्थान दो संस्थानों के विलय से बना था, एक राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट था, दूसरा एक हमारा कंबाइंड हॉस्पिटल चल रहा था, एक था जो कि चिकित्सा शिक्षा से था, दूसरा संस्थान जो है वो चिकित्सा संवर्ग के से था। दोनों के विलय के बाद 2019 में एक संस्थान बना है। दोनों ही संस्थान अपने अपने क्षेत्र में एक उत्कृष्ट कार्य कर रहे थे, समाज में उनकी एक प्रतिष्ठा थी। विलय के पश्चात एक समन्वय बताते हुए दोनों संस्थान बढ़ते चले हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थापना वर्ष से ही रोगियों को अत्यंत कम दरों पर सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध रहा है। संस्थान में कैंसर हेतु सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एवं निदान हेतु न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग उपलब्ध हैं। हृदय रोगों हेतु कार्डियोलॉजी तथा CVTS विभाग एवं मस्तिष्क रोगियों हेतु न्यूरोसर्जरी एवं न्यूरोलॉजी विभाग आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। गुर्दा रोगों के इलाज हेतु नेफ्रोलॉजी एवं यूरोलॉजी विभाग तथा उदर संबंधी रोगों हेतु गैस्ट्रो मेडिसिन एवं सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग सेवाएं दे रहे हैं। बच्चों में पीडियाट्रिक सर्जरी एवं पीडियाट्रिक्स विभाग जटिल बीमारियों के इलाज में सक्षम है। एंडोक्राइन सर्जरी तथा एंडोक्राइनोलॉजी विभाग एंडोक्राइन ग्रंथियों के इलाज हेतु स्थापित किए गए हैं। The concept of providing super specialty healthcare came to the government in 2004. It was put into writing in 2008 and we started the super specialty block in 2009. What we started as a 350-bedded super specialty hospital has now increased to almost 1100 beds where we are rendering primary, secondary and tertiary care health services. Under one roof, the aim is to provide all services and all investigations so that the patient does not roam around from one end to the other. Having the hospitals on three campuses where we have the maternal and child healthcare services being rendered at the RPG hospital with around 200 beds. Then we have the super speciality block with around 400 beds and the general hospital which was merged with this institute which is now the teaching institute for the undergraduates around 450 beds. हड्डी रोगों हेतु ऑर्थोपेडिक्स एवं PMR विभाग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। संस्थान में ICU, क्रिटिकल केयर एवं पेन क्लिनिक की सुविधाओं का संचालन एनेस्थीसिया विभाग द्वारा किया जाता है। सामान्य चिकित्सा हेतु जनरल मेडिसिन एवं जनरल सर्जरी की सुविधाएं निःशुल्क हैं। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग प्रसव के साथ साथ स्त्रियों से जुड़ी अन्य बीमारियों के इलाज में पूर्ण सक्षम है। संस्थान में इमरजेंसी हेतु इमरजेंसी मेडिसिन विभाग भी स्थापित है। नाक कान गला रोगियों हेतु ENT तथा नेत्र रोगियों हेतु ऑप्थैल्मोलॉजी विभाग भी मरीजों की निरंतर सेवा कर रहे हैं। संस्थान में अत्याधुनिक ब्लड बैंक भी स्थापित है जिसमें कंपोनेंट सेपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में अत्याधुनिक प्लाज्मा फेरेसिस मशीन भी स्थापित है। छाती एवं क्षय रोगियों हेतु पल्मोनरी मेडिसिन विभाग स्थापित है। बीमारियों के निदान हेतु संस्थान में अत्याधुनिक मशीनों से लैस पैथोलॉजी बायोकेमिस्ट्री
माइक्रोबायोलॉजी तथा रेडियोलॉजी विभाग करीब करीब सभी जांचें करने में सक्षम है। नैदानिक सुविधाओं का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश से लखनऊ में कई संस्थानों से निदान हेतु रोगियों को इस संस्थान में रेफर किया जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक प्रतिष्ठित संस्थान है, जिसमें कि हम मेडिकल स्टूडेंट्स के ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। हमें एक रिसर्च सेल की स्थापना जून 2012 में करी गई थी, ताकि संस्थान की फैकल्टी को रिसर्च करने में सुविधा हो। इस रिसर्च सेल 22 हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं, और साथ में 44 और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं, और 23 इंट्राम्यूरल प्रोजेक्ट्स भी हमने अपनी फैकल्टी को सैंक्शन करे हैं, ताकि कि वो रिसर्च में एनकरेज रहे। हाल ही में जो कोविड की बीमारी हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने काफी नाम कमाया है। कोई शिकायत आज तक किसी कोविड के मरीज से इस संस्थान के संबंध में नहीं है। मृत्यु दर भी काफी कम है। बहुमंजिला शैक्षणिक भवन में बृहत आकार के उच्च तकनीकी से संचालित वातानुकूलित व्याख्यान कक्ष हैं। प्रयोगात्मक शिक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी तथा आधुनिक उपकरण भी हैं। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए विच्छेदन कक्ष भी है, जहां मानव अंगों का विच्छेदन किया जाता है। शैक्षणिक भवन में ही वातानुकूलित केंद्रीय पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है, जहाँ लगभग 11,000 पुस्तकें उपलब्ध हैं। पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए व्यायाम शाला एवं क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है। विद्यार्थियों के मनोरंजन हेतु प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। संस्थान एक ग्रोथ फेज में है, और यहाँ पे बहुत फास्ट ग्रोथ चल रही है, और इसी तरह यहाँ के पढ़ाई के करिकुलम भी बढ़ाई जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है, और हमने इस साल अप्लाई किया है, और कि हम न्यूरोसर्जरी विभाग में भी BDCC कोर्स स्टार्ट करेंगे, एनेस्थीजिया विभाग में और पैथोलॉजी एवं रेडियोथेरेपी विभाग में अतिरिक्त कोर्सेज स्टार्ट करे जाएंगे। इसके अलावा हमने MD डिग्री के लिए भी अनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, ऑब्स एंड गायनी तथा ऑर्थोपेडिक्स में अप्लाई किया है MD और MS के लिए, और हमें उम्मीद है कि MCI द्वारा ये सीट्स इस साल सैंक्शन हो जाएंगी। The aim is to improve further in the primary and secondary healthcare services so that a large number of underprivileged sections of society can be taken care of. The 24/7 emergency services needs to be awesome so that we are able to take care of trauma services as well. ये संस्थान एक डीम यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी हाल नहीं पाया है। हम लोग का प्रयास ये है कि हम लोग एक रिसर्च में भी अपना नाम पैदा करें, पेशेंट के इलाज में नाम पैदा करें। इस संस्थान का लक्ष्य है कि यहाँ पे मरीजों की अच्छी सेवा हो, यहाँ के अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस करें, और जब हम लोग और कोर्सेज जैसे नर्सिंग का और पैरामेडिकल कोर्सेज खोलेंगे तो अच्छी नर्सेज और अच्छे पैरामेडिकल के पर्सनल होंगे। ये सब हमारे प्रदेश के जनमानस की सेवा करेंगे, और एक अच्छी सेवा करने के लिए योग्य योद्धा लोग यहाँ पे तैयार करेंगे। इस लक्ष्य के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मरीजों का काफी भला होगा। तो आइए, चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की नींव को और भी मजबूत बनाने का संकल्प लेते हैं।